काफ़ी अनरियल फीलिंग है मेरे लिए कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना आगे तक जाऊंगा एज अ वाइल्ड कार्ड। तो आज ट्रॉफी लेके आ गया वाइल्ड कार्ड, हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तो बहुत दिल से ग्रेटफुल हूँ कि इतनी पब्लिक मुझे पसंद। काफ़ी लोगों ने प्यार दिया सोशल मीडिया से, जिस तरह का प्यार मिला, अभी 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट हो चुकी है आपकी वीडियो, यार तुम लोगों ने स्टार बना दिया भाई। नहीं भाई, मुझे अब फील हो रहा है कि कुछ तो बनाऊं मैं, जो ये कैमरे ने इतने सारे। अपनी मम्मी को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, अभी मैं मिला उनसे तो बहुत वैसी वाली फीलिंग आई कि अब मैं जल्दी से घर जाऊं, मम्मी के पास रहूं। हाँ, मेरी टीम में 3 बंदे हैं, तीनों मेरे से कम है एज में, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, 1 महीना लग के वो मैंने देखी फ़ोन में चेक करके, तो बहुत थैंक यू उनको। अलग पैसे दूंगा उन्हें, 25 लाख जीता हूँ ना उसमें से पैसे दूंगा। एल्विस, अभिषेक और आप दोनों सलमान के साइड में थे जहाँ पे यू नो विनर अनाउंस किया जाने वाला था, आपने घर के अंदर कहा था अगर मेरे पास मौका मिला तो मैं अभिषेक को जिताऊंगा, लेकिन जब अभिषेक का हाथ एक पल पर सलमान मेरा ऐसा ही है, अपना ये घबराता रहता हूँ मैं ना, वो तो हुआ था कि अरे क्या हो गया बट हाँ अगर सही में मौका होता मेरे पे तो मैं देता, पक्का देता। एक पल के लिए आपने कहा था अगर मैं ट्रॉफी नहीं जीतता हूँ तो अभिषेक आप जीतना चाहिए, भाईचारा में आप काफी मानते थे, ये जो पल है जो आप दोनों थे वो पल कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, कितना आपके दिल के करीब रहने वाला है वो पल, जब सलमान सर आपका नाम कभी ले रहे थे, कभी अभिषेक का नाम ले रहे थे, वो पल कितना इम्पोर्टेंट था एल्विस आपके लिए? मेरी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, मैंने सलमान भाई का हाथ यहाँ भी लगाया, एक बार चेक करो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा ये मत करो, तो बहुत जो वो वाला ऐसे होता ना उसमें धड़कन मेरी लिटरली बहुत तेज हो गई थी, बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से पता था कि कुछ तो क्या बोल रहे हो तुम यार, वो मेरा पुराना टाइम था, मैं बता तो रहा हूँ, ध्रुव राठी ने इसके बारे में कहा है। अरे ध्रुव राठी को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ वो मैं रोस्ट करा मैंने एक टाइम पे, आई एग्री कि मैंने करा, बट जैसे आज मैं पहली बारी मिला उनसे काफ़ी अनरियल, मतलब मुझे लगा कि यार ये कौन है, मतलब पास से पहली बारी मैंने देखा, मूवीज़ में ही देखा मैंने आज तक, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी और उन्होंने ऐसा डिसकम्फर्ट भी फील नहीं होने दिया, मतलब बहुत कम्फर्टेबली बात भी करी उन्होंने कि चिल मारो, ज़्यादा मत सोचो, और फिर हाथ पकड़ा उन्होंने, गले भी लगाया 2-3 बार, तो काफ़ी अच्छा था। एल्विस, जो आपने बातें की, जो जिया को लेके बातें हुई, जहाँ आपने कहा कि हमें पानी पिलाना धर्म है, उसमें काफ़ी रील्स बनी है, काफ़ी लोगों ने प्यार किया, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, वो बात को लेके वो बात को लेके क्या कुछ कहना चाहूँगा? नहीं, डेफिनेटली बहुत सही बात बोली थी मैंने कि हमारे में नहीं सब में, कि अगर कोई पानी पूछता है तो उसको पानी पिला देना चाहिए, या फिर अगर नहीं पिलाना तो मना कर दो, बट अगर पिला दो तो धर्म होता है। उसने बहुत गलत चीज़ करी, साबुन का पानी मेरे को पिलाया, तो वो काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते थे उससे, और बुरा भी लगा मुझे कि यार मैंने प्यार से मांगा था, मैंने गुस्से से भी नहीं मांगा, मैंने बोला कि एक बार पानी पकड़ा दो, तो उसने वो चीज़ करी तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। मनीषा ने आप पर बहुत ट्राई किया, जिसके बाद आपने एक ही बात कही है कि मेरा रिश्ता बाहर खराब नहीं करना चाहता हूं, अभी आपने बात किया सब ठीक है या फिर कुछ खराबी हुई? नहीं, अभी मैंने कोई बात नहीं करी, बट मैं अभी करूँगा, चेक करूँगा कि ब्लॉक तो नहीं हूँ मैं। और मनीषा के साथ क्या चांसेस? नहीं, दोस्त है, उसको भी पता है, मुझे भी पता। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है वाला, और ये लैंग्वेज नहीं, मेरा स्लैंग है जो हम यूजुअली यूज करते हैं, ऐसा भी नहीं कि मेरा चेंज हो जाएगा, बट जो मैं मान लो बाहर गाली देता था वो कम हो जाएगी, बट स्लैंग वही रहेगा। जी,
नो प्लानिंग, जो मिलेगा वो ले लेंगे, अच्छा मिला तो। एलविश कलर्स के अगर बिग बॉस में अगर आपको चांस मिलता है क्या होगा आपका जवाब, क्या आप जाना पसंद करोगे? इस बार वाले में नहीं, क्योंकि अभी बहुत टाइम में दूर रहा अपने घर से, अगली बारी कभी मौका मिलेगा तो फॉर श्योर। एलविश जी आप लोग बहुत जनों ने सपोर्ट किया, हरियाणा से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके आलिया भट्ट ने सपोर्ट किया आपको, क्या कहना चाहोगे? क्या बात कर रहे हो यार, क्या कहना चाहोगे? स्मृति ईरानी है, अरे वाह यार, स्मृति ईरानी ने भी सपोर्ट किया है पूरे, मतलब क्या इलेक्शन भी आप लड़ेंगे? आलिया भट्ट पहले, आलिया भट्ट को वापस, आलिया भट्ट देख रही है तो आई लव यू। मैंने ऐसा सोचा कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो बुरा कैसे देख सकता है। मनीषा का नंबर मैं कर दूंगा ब्लॉक तो कैसे करेगी कंटिन्यू, जहां से करेगी वहां ब्लॉक कर देंगे। पर एक है मेरे पास पुराना राजस्थान का, वो है, और बाकी 0001 इज माय फेवरेट। आलिया भट्ट की स्टेटमेंट मैंने अभी सुनी नहीं है, बट सब लोगों के मुंह से सुन रहा हूं तो मुझे काफी। दिस इज आईना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है बिग बॉस सीजन 2 OTT के विनर एलविश यादव, वेलकम। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे ये आपको पूछना था, आपने एक बार एक लाइन कही थी कि मैं श्योर नहीं था बिग बॉस आने से पहले, क्योंकि पता नहीं इमेज कैसी बन जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज नाउ यू आर द विनर, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन है कि आपने ये सही डिसीजन लिया? और ये अगर डाउट था तो आपने कैसे वो डिसीजन लिया कि कर लेते एक बार बिग बॉस? नहीं, मेरे मन में था ये डाउट, काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि उनके हाथ में होती है एडिटिंग, अच्छा बुरा उनके हाथ में होता है बनाना, बट मैंने ऐसा सोचा कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो बुरा कैसे देख सकता है। तो देखो, पॉजिटिव हूँगा मैं, तभी मैं जीता, तो यस आई वाज पॉजिटिव और जीत गए हम। अभिषेक से क्या बात हुई एज सून एज यू वन? आई एम श्योर बहुत हड़बड़ाहट हुई होगी वहाँ पे, बट उसके बाद क्या प्लान्स है, आप क्या बात करोगे, व्हाट इज इट गोइंग टू बी लाइक? नहीं, अभी उससे उस टाइम बात नहीं हो पाई, क्योंकि फिर एकदम से मुझे आप लोगों के पास आना पड़ गया, तो मैं करूँगा उससे बात, और ऐसा कुछ सोच के नहीं करूँगा कि क्या है बुरा सच्चा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल बातचीत। वो भी खुश है यार, उसने बोला कांग्रेचुलेशंस बहुत दिल से। मनीषा को भी जब लोग पूछ रहे हैं वो बार बार कह रही है कि नहीं एलविश के साथ मैं जारी रहूंगी, मैं तो सुधरने वाली हूँ नहीं, तो उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि मनीषा इज गोइंग टू कंटिन्यू फ्लोटिंग विद यू। मनीषा का नंबर मैं कर दूंगा ब्लॉक तो कैसे करेगी कंटिन्यू, जहाँ से करेगी वहाँ ब्लॉक कर देंगे। अगर वो आपके यहाँ पे आ जाएगी तो, गुड़गांव आ जाएगी तो फिर हम कहीं और चले जाएंगे। ऑल्सो आपका क्या प्लान है, कौन सी गाड़ी और कौन सा नंबर लेंगे आप? गाड़ी का नंबर एक है मेरे पास पुराना राजस्थान का, वो है, और बाकी 0001 इज माई फेवरेट। गाड़ी अभी शायद टेस्ला फॉर श्योर। सो 0001 अगेन, 0001 अगेन, 0001। ओके, लास्टली मुझे ये कहना है, पूजा भट्ट के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड बना, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था, और आलिया भट्ट ने भी आपकी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप घर के रॉकी हो, जब उनकी फिल्म आ रही थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और यहाँ पे आपको पीवी वो बहुत पसंद थी, तो उसके बारे में क्या कहना? नहीं, आलिया भट्ट की स्टेटमेंट मैंने अभी सुनी नहीं है, बट सब लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वाह आलिया भट्ट भी प्यार कर रही है, और पीबी के साथ मेरा अलग रिश्ता है, उनके साथ मेरा अलग जोन है, तो मैं उनसे बाहर भी मिलूंगा और हम लोग और भी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। लास्टली, आपके फॉलोअर्स जो बड़े पूरे 5 मिलियन, जब आपका फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ योर 12 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट वाज इट लाइक? नहीं, मैं जब घर में आया था तो मेरे 5.9 थे, जब मैंने बाहर निकल के देखा तो मेरा 13.5 मिलियन था, तो मैं चौंक गया, क्योंकि जो 7 साल में मैंने इतना करा वो 30 दिन में उसके डबल कर दिया लोगों ने, तो काफ़ी शॉकिंग था, और काफ़ी वो भी था कि अरे ये कैसे हो गया यार, बट आई एम हैप्पी, थैंक यू। व्हाट आर योर प्लान्स नाउ, कभी बॉलीवुड में आने का प्लान है या कुछ भी? यार कुछ नहीं सोचा मैंने, यार कुछ सोचूंगा ना मैं तुम्हें बताऊंगा, इंस्टेंट बॉलीवुड होना, इंस्टेंट बॉलीवुड, रोस्ट मत करना बस। ओके, थैंक यू सो मच एलविश, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब इंस्टेंट बॉलीवुड। थैंक यू एलविश।